हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हाउ इज़ एवरीबडी आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल सो टुडेज़ टॉपिक इज़ प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अब हम करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमरी लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर वीडियो सो हमारे पास दो तरीके की मेमरीज होती हैं एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्राइमरी मेमरी को हम इंटरनल मेमरी भी बोलते हैं इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होती है मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होती है मदरबोर्ड में होती है ये ठीक है इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम के बारे में रीड ओनली मेमोरी और ये प्रेजेंट होती है मदरबोर्ड में इसलिए इसको और क्या बोलते हैं हम इंटरनल मेमोरी भी इसको बोला जाता है राइट इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमरी नॉन वॉलेटाइल मेमरी इसको किसके बोलते हैं बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल होती है जैसे ही पावर चली जाती है तो सारी की सारी मेमरी ये डिलीट नहीं होती इट इज नॉन वॉलेटाइल मतलब मेमरी इंटैक्ट रहती है तब भी अगर पावर चली जाए तो, तो इसका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नॉन वॉलेटाइल जैसे भगवान जी ने हमें ब्रेन दिया है ठीक है जैसे हमारा ब्रेन बनाया है ताकि हम जब चाहें कुछ भी याद कर सकें और सब कुछ स्टोर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम वो चीज़ याद आ सके ठीक है ज़रूरत पड़ने पर हमें वो चीज़ याद आ सके ऐसे ही कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए एक चिप बनाई है जिसमें डाटा स्टोर हो सकता है और कंप्यूटर जब चाहे वहाँ से डाटा को ले सकता है जिसे हम मेमोरी बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर में प्रोग्राम डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि हम जब भी कंप्यूटर से किसी डाटा को मांगें तो वो हमें मेमोरीज़ दे सके राइट सो so, पहली मेमोरी है हमारे पास रोम रीड ओनली मेमोरी तो पहले हम रोम के बारे में पढ़ लेते हैं तो सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए जो यूज़ होती है ठीक है सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होती है रोम और उसके लिए ये एक चिप की के फॉर्म में कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है ये एक चिप के फॉर्म में कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है ये रोम जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है रोम नॉन वॉलेटाइल होती है यहाँ से हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले स्टोर्स डाटा परमानेंटली ऑन पीसीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज रोम जो होती है ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है पी सी पे और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे परफॉर्म्स मेजर इनपुट आउटपुट टास्क ये मेजर इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करती है ये पर होल्ड करती है प्रोग्राम्स को और सॉफ्टवेयर को इन in इंस्ट्रक्शन ठीक है एंड इट इज़ नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है हमारा मतलब अगर पावर चली जाए तो अपने अंदर जो भी स्टोर्ड मेमोरी होती है वो उसको खोती नहीं है ठीक है जो भी इसमें मेमोरी स्टोर होती है जो भी डाटा स्टोर होता है जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अगर पावर चली जाए तो ये उसको खोता नहीं है मतलब तो उसमें से डिलीट नहीं होती वो हमेशा परमानेंट ही रहती है उसके अंदर रोम <coughs> में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम भी स्टोर होता है तो अगर आपसे पूछा जाए रैम और रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम किस में होता है तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला कंप्यूटर स्टार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम जो होता है वो रोम में होता है ठीक है स्टार्ट करना मतलब बूटिंग करना कंप्यूटर की बूटिंग करना इट इज़ नोन एज स्टार्ट करना बूट करने में हेल्प करता है तो अगर आपसे पूछे कि बूट करने में कौन हेल्प करता है रैम या रोम तो रोम हेल्प्स इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर रोम में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें चेंज या डिलीट हम नहीं कर सकते बस रीड कर सकते हैं इसलिए इसको रोम बोलते हैं ठीक है रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस बोला जाता है रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं रोम में अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं बायोस ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एक तो ये और दूसरा ये कि कंप्यूटर स्टार्ट प्रोग्राम कहाँ पर होता है रैम या रोम तो कंप्यूटर बूट करने वाला प्रोग्राम होता है RAM, रोम में दूसरा कि कंप्यूटर स्टार्ट करने में हेल्प कौन करता है रैम या रोम तो रोम आपकी हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कंप्यूटर को स्टार्ट करना मोबाइल को स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में जो हेल्प करता है वो करता है रोम ठीक है रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट और राइट जो स्टोर प्रोग्राम होते हैं उसको बायोस बोला जाता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए भी ये यूज़ होता है मतलब कि रोम जो है ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करना फर्मवेयर तब स्टोर किया जाता है जब इसके हार्डवेयर इसका मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि की कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर फैक्ट्री में बन रहे होते हैं उस टाइम फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है ठीक है इसलिए इस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हार्डवेयर चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है ऑल राइट right. रोम बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है जैसे कि मोबाइल फ़ोन टीवी, रोबोट वॉशिंग मशीन इन सब चीज़ों में भी रोम का यूज़ होता है वी हैव रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। शॉर्ट फॉर्म क्या है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की रैम यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका राइट right? सो so, कंप्यूटर को बंद करने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है इसलिए इसे वॉलेटाइन मेमोरी भी बोला जाता है रैम रोम दोनों कंप्यूटर में मेन मेमोरी होते हैं सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है जैसे डीवीडी वी ये सब तो रैम जो होता है इट इज़ इंटरनल मेमोरी ऑफ सी पी ये यूज़ होता है आपका फॉर स्टोरिंग डाटा प्रोग्राम्स एंड रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम्स ये किस यूज़ होता है आपका फॉर स्टोरिंग डाटा फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्राम्स इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं और ये डाटा तब तक स्टोर करती है तब तक मशीन जो होती है आपकी काम कर रही होती है वर्किंग होती है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तब तक ये रैम काम करती है आपकी मतलब जब आपकी कंप्यूटर चल रहा है जब तक वो डिवाइस काम कर रहा है तब तक ये सारी स्टोरेज करेगी अपने अंदर ठीक है जैसे ही आपकी लाइट गई लाइट ऑफ हुई कंप्यूटर बंद हुआ तो जितना भी डाटा रैम में स्टोर होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता इस रैम में हमारे पास तीन तरीके की रैम होती हैं डी रैम एस रैम और सिंक्रोनस डायनेमिक रैम सबसे पहले हम रोम के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि रोम क्या होता है आपका तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि रोम एक चिप होती है जो मदरबोर्ड और सीपीयू से जुड़ी रहती है ठीक है <coughs> सो so, एक चिप होती है जो मदरबोर्ड और सीपीयू से जुड़ी होती है रोम का काम होता है स्टोरेज के लिए ठीक है रोम से हम कभी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं मतलब हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम रोम से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं रोम में डाटा डिलीट नहीं होता यहाँ पर रोम में परमानेंट स्टोरेज होती है डाटा की मतलब अगर लाइट चली भी जाए तो भी हमारा डाटा परमानेंटली रोम में स्टोर रहता है रोम हमारे कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है क्यों क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा रोम में रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम होता है तो जिसमें ये रोम क्या हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है आपका तो अगर आपसे पूछा जाए रैम और रोम इन दोनों में से कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कौन हेल्प करता है तो ये का हेल्प करता है आपका रोम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्यों हेल्प करता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला जो प्रोग्राम होता है वो रोम में होता है ठीक है किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए रोम से डाटा एक्सेस करता है और रैम से सिस्टम एप्लीकेशन काम करना करता है ठीक है अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाना है तो क्या होगा जो हमारा सिस्टम है वो रोम से डाटा को एक्सेस करेगा जब वो एप्लीकेशन चल रही होगी ठीक है जब वो एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट कर देगी तब कहाँ से डाटा एक्सेस होगा तब होगा रैम से फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो जब वो एप्लीकेशन चलेगी जिस टाइम वो एप्लीकेशन चलेगी तो रोम से डाटा को एक्सेस करेगा सीपीयू ठीक है लेकिन जब वो एप्लीकेशन चल जाएगी ठीक है ओपन हो गई जब तक ओपन नहीं हुई जब तक ओपन हो रही है तब तक कहाँ से एक्सेस करेगा डाटा को रोम से जब वो ओपन हो गई और वो एप्लीकेशन रनिंग मोड पे है चल रही है तो उस तो डाटा को कहाँ से एक्सेस करेगा सीपीयू तब करेगा रैम में तब डाटा कहाँ स्टोर होगा रैम में और पहले कहाँ से आता है रोम में ठीक है फिर जैसे ही हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं तो रोम में वापस से डाटा चला जाता है और रैम से डाटा खाली हो जाता है जैसे कि आपको पता है कि अब एप्लीकेशन चल रही है तो हमारा डाटा जो है वो रैम में जाएगा ठीक है रैम में स्टोर होगा जैसे ही हमने एप्लीकेशन को ओपन करा कोई भी एप्लीकेशन है जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो हमारा डाटा कहाँ पर जाता है रोम में ठीक है कहाँ पर कहाँ से एक्सेस करते हैं हम डाटा को रोम से जैसे ही हमारी एप्लीकेशन चल रही है तो रैम में हमारा डाटा होता है जैसे ही हमने एप्लीकेशन को बंद करा उस एप्लीकेशन को बंद करा तो हमारा सारा का सारा डाटा जो है वापस रोम में चला जाता है और क्या होता है रैम जो होती है आपकी वो खाली हो जाती है ठीक है तो रैम तब तक ही काम करती है जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है वर्किंग मोड पे है जैसे ही एप्लीकेशन बंद हुई तो रैम भी जो है आपकी खाली हो जाएगी रैम भी बंद हो जाएगी ठीक है रोम जो है वो तीन चार तरीके की होती है मार्क्सड रोम प्रोम ई प्रोम ई ई प्रोम तो इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है हम ये देख लेंगे और उसके बाद हम करते हैं चलिए तो मार्क्स रोम जो है आपका एम रोम दैट इज़ मार्क्सड रोम तो मार्क्स रोम में आपका क्या होता है ये पहला रोम है जो हार्ड वायर डिवाइस थे जिसमें प्री प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डाटा थे इसमें जो सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस थे या जो डाटा था वो प्री प्रोग्राम था पहले से ही प्रोग्राम था इसमें वो सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन और डाटा ठीक है ये होता है पीरो एम रोम की फुल फॉर्म क्या होती है मार्क्स रोम एम ए एस के ई डी आर ओ एम रोम इसकी फुल फॉर्म होती है सो दिस काइंड ऑफ रोम्स आर ऑल्सो नोन एज मार्क्स रोम और एक थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इसमें क्या होता है हार्ड हार्डवायर डिवाइसिज़ होते हैं जिसमें सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ डाटा जो होते हैं वो प्री प्रोग्राम रहते हैं पहले से ही प्रोग्राम रहते हैं ठीक है फिर आए हमारे पास पी रोम पी रोम क्या है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सो so, ये है आपके पीरोम पीरोम में क्या होता है आपका ये एक चिप होती है जिसे हम ओ टी पी भी बोलते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल इसको हम ओ टी पी भी बोलते हैं मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल ऑल राइट सो दिस इज़ पी रोम इसको क्या होता है कि बिकॉज इसको ओ क्यों बोला जाता है वन टाइम प्रोग्रामेबल क्यों बोलते हैं हम इसको बिकॉज इसमें डाटा को एक बारी में ही प्रोग्राम किया जाता है उसके बाद इसे इरेज नहीं किया जा सकता ठीक है यूज़र खाली पीरोम खरीद के इसमें इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं क्या होता है कि इसमें जो है हम प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को ठीक है एक बार जैसे हम गए और हमने पीरोम चिप खरीद के ले आए पीरोम चिप खरीद ली हमने उसमें इंस्ट्रक्शन डाल दी डेटा डाल दिया अब क्या इसमें लॉस है क्या इसमें जो है आपका नुकसान है कि हमने एक बार इसमें डाटा डाल दिया तो वो परमानेंट हो जाता है हम उस डाटा को इरेज नहीं कर सकते उस इस डाटा को क्या होता है इरेज नहीं कर सकते हम तो फिर अब यहाँ पर आपने एम रोम की जैसे देखा एमरोम का एग्जांपल कैसा है फॉर एग्जांपल इसमें पहले से ही जो है कुछ सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन और डाटा प्री प्रोग्राम रहते हैं अब आपने नोकिया का फ़ोन देखा होगा तो नोकिया के फ़ोन में क्या है आपने चालू करा तो वो जो दो हाथ बने होते आते हैं इधर से और इधर से वापस में मिलते हैं ठीक है दो हाथ मिले तो वो होते हैं प्री प्रोग्राम आप उसको कितना भी चेंज कर लो आप उसको कितना भी चेंज कर लो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे वो प्री प्रोग्राम आया है आपके उसमें ठीक हाँ, है वो प्री प्रोग्राम्ड आया है मतलब कि कि उसमें क्या कर सकते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप जब भी नोकिया का फ़ोन ओपन करोगे तो दो हाथ आएंगे वो आपस में मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है आप उसमें आप चाहो कि भैया हाथ को मैं बीच में से काट दूँ मैं हाथ को बीच में रोक दूँ तो वो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो प्री प्रोग्राम्ड है ना ही आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते कि हाथ की जगह आप पैर लगा दो पैर की जगह कुछ और लगा दो काट के नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड आया है इसी तरीके से आप अपने उसमें देख सकते हो टीवी रिमोट में रिमोट में क्या है आप वन दबाओगे तो वन वाला चैनल चलेगा टू दबाओगे तो टू चलेगा थ्री दबाओगे तो थ्री वॉल्यूम का बटन आगे करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगी तो ये सब भी उसमें प्री प्रोग्राम्ड ही रहता है पहले से मतलब आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते ऐसा तो है नहीं आपने वन दबाया और दसवां चैनल चल गया नहीं उसमें हर चीज़ प्री प्रोग्राम्ड है पहले से ही ठीक है तो दिस इज़ नोन एज़ एम रोम पी रोम में क्या है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें क्या है यूज़र गया बाहर से चिप खरीद के लेके आ गया और उसने उसमें प्रोग्रामिंग कर दी ठीक है उसने ख़रीद के इसमें खुद इंस्ट्रक्शंस डाल सकता है इसमें छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं जिसमें प्रोग्राम्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस डाली जाती हैं जिसे दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता इसको दोबारा आप अपडेट नहीं कर सकते हो एक बार डाल दिया तो डाल दिया वो परमानेंट हो गया उसको इरेज नहीं कर सकते अब प्रॉब्लम ये आई इसमें कि जब हमने देखा कि पी रोम में परमानेंटली डाटा स्टोर हो जाता है ठीक है तो इसमें हम इरेज़ तो डाटा को कर ही नहीं सकते मतलब एक बार हमने डाटा को डाला तो वो परमानेंटली आ गया रोम में क्या था पहले से ही डाटा डल के आया था बाहर से ही पहले से ही हर चीज़ वो प्रोग्राम्स थी वो डल के आए थे पी रोम में क्या है हम गए हमने ख़रीदी चिप हमने उसमें डाटा डाल दिया ठीक है पी रोम में हमने डाटा डाल दिया लेकिन अब हम उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते अब फिर हमारे पास आया ई प्रोम तो पी रोम में क्या है परमानेंटली डाटा को स्टोर या राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसको बर्निंग यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं हम बर्निंग और यह बर्निंग किसकी हेल्प से होती है ये एक मशीन की हेल्प से होती है जिसे हम बोलते हैं पीरोम बर्नर इसकी हेल्प से ये प्रोग्राम बर्निंग होती है प्रोग्राम बर्निंग का मतलब क्या होता है प्रोग्राम को परमानेंटली लिखना उसमें किसी प्रोग्राम को परमानेंटली डाटा को स्टोर करना या फिर लिखना ठीक है उसको बोलते हैं उसके लिए जो प्रोग्रामिंग करी जाती है ठीक है पीरोम में परमानेंटली डाटा को स्टोर या राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग जो करी जाती है उस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग को बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बर्निंग और ये बर्निंग कैसे होती है बर्निंग होती है पीरोम बर्नर की हेल्प से ठीक है अब इस पीरोम में क्या था हमने इंस्ट्रक्शंस डाल दी हमने डाटा डाल दिया लेकिन हम इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ और जिससे हम इरेज भी कर सकें जिससे हम चेंज कर सकें डाटा को तो फिर हमारे पास आया ई प्रोम ई प्रोम की फुल फॉर्म है आपकी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो जैसे नाम से ही आप देख सकते हो कि इरेजेबल है और प्रोग्रामेबल है ओनली मेमोरी तो इसमें क्या था ई प्रोम में ये एक चिप में स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को अल्ट्रा वॉयलेट रेज से 40 से 50 मिनट के लिए लाइट पास कराने के बाद इरेज कर देता था ठीक है ई प्रोम में क्या होता था कि जब हम उसमें 40 से 50 मिनट तक लाइट पास कराएंगे तो वो क्या होता था जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो इरेज हो सकती थी हमारा पी रोम में इरेजेबल नहीं था प्रोग्रामेबल रीड होनी मेमोरी है मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं बट हम इसको इरेज नहीं कर सकते थे ई e प्रोम में हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ कि हम इसको इरेज़ कर सकते थे ठीक है जो भी हमने लिखा है उसको इरेज किया जा सकता था इससे हम आराम से इरेज और प्रोग्राम भी कर सकते हैं मतलब कि हम इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं उसमें क्या फ़ायदा था हमारा प्रोम में क्या था एक बार प्रोग्रामिंग कर दी हम उसको दोबारा से रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे हम उसको कुछ डिलीट नहीं कर सकते थे जो स्टोर हो गया वो हो गया एक बारी में उसके बाद में हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे पर ई प्रोम में क्या फ़ायदा हुआ कि जो यू लाइट को जब हम तीस से चालीस मिनट चालीस से पचास मिनट के लिए जब उसमें पास किया जाता था तो वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता था इसमें हम री प्रोग्राम भी कर सकते थे डाटा को इरेज करा उसमें दोबारा से प्रोग्रामिंग कर दी लेकिन इसमें आ, जो नेगेटिव पॉइंट था वो क्या था हमारे पास कि जब भी हमने यूवी लाइट को पास कराया डाटा पे जब भी हमने यूवी लाइट को पास कराया तो सारा का सारा जो डाटा था हमारा हाँ, वो इरेज़ हो जाता था अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी मैंने ये सब डाला है आपने ई e प्रोम में ठीक है ई e प्रोम में मेरी ये इंफॉर्मेशन है मैं चाहती हूँ एंड डिलीट करूँ मैं बस एंड हटे पर जब मैं यूवी लाइट इस पर पास करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि सारा का सारा ही डाटा उड़ जाता है इसमें कुछ भी नहीं बचता तो ई e प्रोम में नुकसान था ये कि जब भी लाइट आएगी तो सारा का सारा ही डाटा इरेज हो जाएगा और सारा डाटा इरेज होने के बाद आप उसमें दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकते हो प्रोग्राम कितनी बार भी लिख लो आप ठीक है लेकिन उसमें क्या है कि पूरा डाटा इरेज होगा आपका ये आपका था उसमें जो था वो नुकसान था ठीक है तो देवर वाइडली यूज एज़ बायोस जो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये एज़ अ देवर वाइडली यूज एज ये ये वाइडली यूज़ होती थी एज़ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह ये यूज़ होती थी ठीक है मतलब चिप्स इन मदरबोर्ड ऑल राइट सो ई प्रो ई प्रोम में जो है दे हैव क्वार्ट विंडोज इसमें क्वार्ट विंडो थी इन दी पैकेज टू एक्सपोज चिप टू यू वी लाइट इसमें क्वार्ट्स क्वार्ट विंडो थी पैकेज में जिसमें यू वी लाइट जिसमें कि क्या होता था एक चिप थी जिसमें चिप को एक्सपोज किया जाता था यू वी लाइट के उसमें ठीक है क्वार्ट्स विंडो के थ्रू ई प्रोम में क्वार्ट्स पिंडो होती हैं उस उसके थ्रू यू लाइट जाती थी और चिप में जाके डाटा को इरेज करती थी अब इसमें इरेज करने के लिए इसमें क्या नुकसान था ई प्रोम के डिसएडवांटेज थे कि इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती थी इसमें डाटा को इरेज़ करने के लिए या डालने के लिए इस चिप को इस ई e प्रोम को कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता था फिर जाके प्रोग्राम होता था या फिर उसमें कुछ भी चीज़ डिलीट करनी है तो वो डिलीट होती थी तो ये चीज़ थी आपकी डिसएडवांटेज ई प्रोम की ठीक है अब हमें क्या नीड महसूस हुई कि यार सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है अब हमने यू वी लाइट मारी सारा डिलीट हो गया मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ही डिलीट हो बेटा सारा का सारा डिलीट ना हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास आए ई पी रोम ई ई पी रोम ई ई पी रोम क्या है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई ई पी रोम की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ठीक है इसमें क्या था ई e प्रोम -E में इसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं फ्लैश मेमोरी ये एक अनचेंजिंग मेमोरी थी ठीक है इसको अनचेंजिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं इसमें डाटा को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हटाया जा सकता था डाटा को मतलब हम मान लो थोड़ा डाटा चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ा ही डाटा इरेज हो तो इसमें प्रोग्राम और इरेज इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकता था तो इसमें जो है प्रोग्रामिंग और इरेजिंग कितनी बार हम कर सकते थे ई प्रोम में कम से कम दस हज़ार बार हम इसको इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिसिटी uh, से इरेज कर सकते थे और रीप्रोग्राम कर सकते थे बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग जो थी वो कितना टाइम लेती थी वो लेती थी चार से दस मिली सेकेंड्स एंड देवर ऑल्सो बायोस चिप्स ये भी बायोस चिप्स की तरह यूज़ होते थे इसमें क्या फ़र्क था कि uh, उसमें था कि कुछ डाटा को मतलब सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता था लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली ई प्रोम में सारा का सारा डाटा इरेज नहीं होता था इसमें क्या होता था कुछ पार्ट जो था वो डाटा का इरेज कर सकते थे हम और कुछ पार्ट जो है जो हम चाहें वो इरेज हो सकता था ठीक है बट वो होता था इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इसका एग्जांपल है जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया एम थ्री प्लेयर हो गया उसमें यूज़ होती है फ्लैश मेमोरी। ऑलराइट, राइट तो सब दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसमें से हाइब्रिड मेमोरी कौन सी है एम रोम पी रोम ई रोम ई ई पी आर ओ एम इसमें से हाइब्रिड मेमोरी थी आपकी ई पी आर ओ एम इसको हाइब्रिड मेमोरी भी बोला जाता था हाइब्रिड मेमोरी इसको क्यों बोला जाता था बिकॉज रीड और राइट तो ये रैम की तरह करती थी ठीक है और स्टोरेज इसमें रोम की तरह होती थी इसलिए इसको रीड और राइट इसलिए इसको हाइब्रिड मेमोरी भी बोला जाता था आई होप समझ में आया होगा ई प्रोम में डाटा को डिलीट करने के लिए कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है और हम इसमें सिलेक्टेड डाटा को इरेज कर सकते थे जो कि ई प्रोम में नहीं हो सकता था ई e प्रोम -E में क्या बेनिफिट आया कि जो हम सिलेक्टेड डाटा को इरेज कर सकते थे जो कि ई प्रोम में पॉसिबल नहीं था हमारे पास ठीक है रैम रोम के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास अब रोम के बेनिफिट्स हैं हमारे पास कि ये रैम से सस्ता होता है दूसरा रैम से ज़्यादा साइज में अवेलेबल है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए रोम रोम जो है वो यूज़ होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम होता है क्योंकि जो स्टार्टिंग प्रोग्राम है कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम है वो रोम में स्टोर होता है ठीक है यहाँ डाटा अपने आप नहीं बदलता मतलब परमानेंटली स्टोर रहता है अपने आप चेंज नहीं होता लाइट चली भी गई ये वॉलेट नॉन वॉलेटाइल होता है लाइट चली भी गई तो भी आपका डाटा स्टोर रहेगा ठीक है ये फ़ायदा है और दूसरा रोम में बहुत ही सोच समझ के प्रोग्रामिंग करी जाती है बिकॉज़ पता है कि वो डिलीट नहीं हो सकता तो रोम में बहुत ही सोच समझ के प्रोग्रामिंग करी जाती है और ये रोम वगैरह कहाँ पर यूज़ होते हैं जैसे आपने नोकिया का फ़ोन देखा पहले से इनबिल्ट उसमें प्रोग्रामिंग है तो उसमें क्या है कि दो हाथ आएंगे मिलेंगे आपस में तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते यू कैन नॉट चेंज इट ठीक है जो भी आप चेंज ना कर सको सिर्फ़ आप रीड कर सको और उसमें डिलीट ना कर सको राइट ना कर सको तो वो होता है आपका रोम ऑल right. तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन रिमोट डिजिटल मीटर माइक्रोवेव ओवन अब आपने क्या देखा कि वॉशिंग मशीन में आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी जो डिजिटल वॉशिंग मशीन आ रही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन जो होती हैं उसमें आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई कपड़े धुलने दस मिनट तक पाँच बार रिंस होंगे वो और गर्म पानी चाहिए ये सब आपने प्रोग्रामिंग कर दी अपने वॉशिंग मशीन के अंदर तो क्या होगा कि सारे के सारा सारा का जो कपड़े होंगे वो बीस मिनट में ही धुलेंगे अब क्या होता है आपका मान लो दस मिनट तक आपके कपड़े धुल गए ठीक है दस मिनट के बाद आपकी लाइट चली गई दस मिनट के बाद लाइट चली गई अब ये तो है नहीं कि जब लाइट आएगी वापस तो वापस से वो दस मिनट और चलेगा मतलब बीस मिनट आपने उसमें दिया था टाइमिंग जैसे 20 मिनट का आपने टाइमिंग सेट करा कि 20 मिनट में, में मेरे कपड़े धुल जाने चाहिए दस मिनट के बाद आपकी लाइट चली गई ठीक है तो ये नहीं होता कि भाई जब लाइट वापस आई तो वापस से वो बीस मिनट मशीन चलेगी नहीं वो मशीन चलेगी जहाँ पर ये दस मिनट में छूटा था मतलब आगे दस मिनट और चलेगा और बाकी ठीक है ये होता है इसमें ऐसे ही रिमोट में ऐसे ही डिजिटल मीटर में ऐसे ही माइक्रोवेव ओवन में आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन में क्या है आपका आप टाइमिंग सेट कर देते हो है ना टाइमिंग सेट करोगे क्या कि भाई 40 मिनट्स में मेरा केक बेक हो जाना चाहिए अब क्या होता है जब लाइट चली गई तो क्या होगा कि क्या सारा का सारा वो हो जाएगा बीच में नहीं फोर्टी मिनट्स तक वो बेक करेगा ना तो इसको कहते हैं हम प्रोग्राम उसको कर सकते हैं वन टाइम प्रोग्रामिंग है ये मतलब हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं तो ई प्रोम भी आ जाता है प्रोग्रामेबल भी है ई ई प्रोम भी है प्लस ई प्रोम भी है नहीं है ना जैसे भी केक बेक होता है उसमें अगर 40 मिनट के लिए आपने उसको सेट कर दिया तो 40 मिनट में केक आपका बन के तैयार हो जाएगा राइट अब आप उसमें चाहो कि मैं कम कर दूँ टाइम तो शायद टाइम कम नहीं कर सकते टाइम बढ़ा सकते हो आप ऐसा कुछ होता है उसमें तो इस तरीके से माइक्रोवेव काम करता है आपका ऐसी ही आपकी वॉशिंग मशीन्स काम करती हैं सो so, अब चलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरफ रैम रैम के तीन टाइप्स होती हैं डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम ठीक है और सिंक्रोनस डायनेमिक रैम एस डी रैम तो आपने कहीं देखा होगा तो उसमें दो ही आपके रैम कराई जाती हैं डी रैम और एस रैम जो डी रैम है दैट इज़ डायनेमिक मेमोरी इसमें क्या होता है हमें इसको कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है अदरवाइज इसके कंटेंट्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं लॉज हो जाते हैं दिस टाइप ऑफ मेमोरी जो होती है वे इकोनॉमिकल होती है स्टैटिक रैम में क्या होता है एस रैम जो होता है वो डी रैम से फास्टर होता है और कम वॉलेटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू डी रैम बट इसमें पावर जो होती है रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती है और ये एक्सपेंसिव भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है बार बार जैसे डी रैम में हम रिफ़्रेश कर रहे थे ना अपने कंटेंट्स को अपनी मेमोरी को तो इसमें बार बार कंटेंट्स को रिफ़्रेश करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है इसमें क्या है कि हमें कंटेंट्स रिफ्रेश नहीं करने होते जैसे कि डी रैम में अब सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी क्या है आपकी ये डी रैम का टाइप है दैट कैन रन एट मच हायर clock speeds. That कैन रन एट मच हायर clock स्पीड ऑल राइट चलिए अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी ये डाटा को लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टोर करती है मतलब ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होती हमें बाहर से कंप्यूटर में जो है इसको डालना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी को जैसे कि आपकी सीडीज हो गई डीवीडी हो गई आपकी पेन ड्राइव्स हो गई ठीक है इट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय सीपीयू ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इसका इट मस्ट बी फर्स्ट कॉपी टू प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में जो है चलिए आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क डी ब्लू रे डिस्क एच फ्लैश ड्राइव्स जिप डिस्क हार्ड ड्राइव जो है आपकी अब इसमें क्या लिखा है कि भाई हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है जो कंप्यूटर है सेकेंडरी मेमोरी ये डायरेक्ट सीपीयू से प्रोसेस नहीं हो सकती मतलब कि मुझे कोई सीपीयू को डाटा चाहिए मान लो हार्ड ड्राइव है हार्ड ड्राइव में, में मेरे को पांच सॉन्ग्स चाहिए अपने उसमें कम से कम हार्ड ड्राइव में, में मेरे छत्तीस सौ सॉन्ग्स हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड सॉन्ग्स हैं ठीक है मैंने मेरे को चलाने हैं फाइव सॉन्ग्स अब वो पांच सॉन्ग्स ये सीपीयू इस हार्ड ड्राइव से जाके नहीं लेगा ये है हार्ड ड्राइव ये है रैम रोम ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी है ये है हमारा सीपीयू, ठीक है हमारे सी को अब मेरे को क्या करना है मुझे फ़ाइव सॉन्ग्स प्ले करने हैं मैंने अपनी लिस्ट में लगा दिए फाइव सॉन्ग्स तो क्या होगा कि सी पी यू डायरेक्ट जाके सेकेंडरी मेमोरी में मतलब हार्ड ड्राइव में जाके एक्सेस नहीं करेगा इन पाँच सॉन्ग्स को मान लो इसमें छत्तीस सौ सॉन्ग्स हैं उसमें से पाँच सॉन्ग्स हैं ठीक है उसमें से पाँच सॉन्ग्स मुझे प्ले करने हैं अब ये सी पी यू ये नहीं है यहाँ जाएगा और भाई उसके पास रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे पांच सॉन्ग्स दे दो मुझे प्रोसेसिंग करनी है और पाँच सॉन्ग्स प्ले करने नहीं वो प्ले नहीं होंगे सी पी यू क्या करेगा सी पी यू रिक्वेस्ट करेगा रैम रैम के पास जाएगा रैम से रिक्वेस्ट करेगा कि ये फाइव सॉन्ग्स हैं जो प्ले करने हैं रैम क्या करेगा रैम जाके सेकेंडरी मेमोरी से ये पाँच सॉन्ग्स ले कर आएगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा ठीक है रैम क्या करेगा ये पांच सॉन्ग्स जाके छत्तीस सौ में से वो पांच सॉन्ग्स जाके आए ले के आएगा और अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा फाइव सॉन्ग्स सी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा इन पांच सॉन्ग्स को लेगा और वो क्या कर देगा इनकी प्रोसेसिंग और वो चला देगा चलाने का मतलब है उसकी प्रोसेसिंग कर देगा ऑल राइट फाइव सॉन्ग्स प्ले कर देगा तो जो आपकी सी है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाता वो पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है वहाँ से सॉ वहाँ से डाटा को उठाता है ना कि डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है वो सिर्फ प्रा, प्राइमरी मेमोरी से करता है सेकेंडरी मेमोरी का डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है मतलब कॉपी होता है और उसके बाद जाके कर सी पी यूस एक्सेस करता है अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या इंक्लूड होता है जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क ये सब ठीक है हार्ड मैग्नेटिक डिस्क में क्या आ जाता है हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क में क्या आता है आपका सीडी सीडी रोम मैग्नेटिक टेप्स और फिर आ जाता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स चलिए तो ये है आपके एग्जांपल्स तो यहाँ हम एक एक करके मैंने आपके लिए नहीं, नहीं, हाँ, मैंने हर चीज़ आपके लिए पहले से ही वो कर रखी है तो ये देखिए पहला है आपका हार्ड ड्राइव ये इस तरीके से दिखती है आपकी हार्ड ड्राइव और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड ड्राइव ये देख सकते हैं आप ठीक है वन टेराबाइट की हार्ड ड्राइव भी आती है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ़ हार्ड ड्राइव है आपका राइट सो हार्ड ड्राइव जो होती है ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसिस होती है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे ठीक है इसमें ये प्लेटर्स है ना ये हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के जो हार्ड ड्राइव होती है वो स्टोर करती है डाटा सेगमेंट्स में ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना ये सर्कल्स इनके सेगमेंट्स में हार्ड ड्राइस् जो है वो डाटा को स्टोर करती है ठीक है और ये जो है ये मूव करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे कितनी स्पीड पे हाइक करते हैं ये स्पिन करते हैं 5400 से फाइव फोर ज़ीरो जीरो से पंद्रह सौ आर पी एम की स्पीड पे, ऑल राइट right. चलते हैं फ्लॉपी डिस्क पे इस तरीके से आपकी फ्लॉपी डिस्क दिखती हैं ये देख लीजिए आप फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क का इंटरनल कैसा होता है ये इस तरीके से दिखता है फ्लॉपी डिस्क का इंटरनल पार्ट ये देखिए ऑल राइट तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये कंपोज होती है थिन फ्लैक्सीबल मैग्नेटिक डिस्क से एंड इट इज सील्ड इन ये सील होती है स्क्वेयर प्लास्टिक कैरियर में फ़्लॉपी डिस्क वाइडली डिस्ट्री यूज़ होती है क्यों तो डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए बैकअप कॉपीज़ ऑफ डाटा को क्रिएट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती है टू रीड एंड रेटा फ्राम फ्लॉपी डिस्क अगर हमें डाटा को रीड करना है या राइट करना है फ्लॉपी डिस्क में से तो हमारे कम्प्यूटर के पास एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना चाहिए ऑल राइट देन वी हैव कॉम्पैक्ट डिस्क ये है सी डी सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क सो सी डी क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है दैट इज़ यूज़ टू स्टोर रिकॉर्ड स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्म ये स्टोर रिकॉर्ड uh, करती है और स्टोर करती है डाटा को डिजिटल फॉर्म में ठीक है दे आर फ्रेजाइल एंड प्रोन टू स्क्रैच फ्रेजाइल होती है जल्दी टूट सकती है और स्क्रैचज़ेस uh, से प्रोन होती है कि भाई प्रोन टू स्क्रैच इसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं सी डी में फिर आते हैं आपके डीवीडी ये है आपकी डीवीडी ये है आपका डीवीडी प्लेयर यह आप देख सकते हैं ऑल राइट सी और डी में फ़र्क कुछ नहीं है सी और डी में बस इतना ही फ़र्क है कि जो सी है वो कम तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है डीवीडी की जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सो डी वी डी जो होता है इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन लार्ज अमाउंट्स एंड एक्सेप्ट हाई डेफिनेशन मटीरियल इसमें जो ये जो है ये हाई डेफिनेशन मटीरियल को एक्सेप्ट करता है टू लेयर डी वीडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सत्रह गीगा वाइट ऑफ वीडियो को साउंड को और अदर डाटा को स्टोर करती है देन वी हैव ब्लू रे डिस्क ये इस तरीके से दिखती हैं आपकी ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क जो होती हैं ये अपग्रेड वर्जन होता है सी का और डी का और ड्राइव्स का सी डी और ड्राइव्स का अपग्रेडिड वर्जन होता है ब्लू रे डिस्क ठीक है इट इज़ कॉमनली नोन एज बी डी रोम इसको कॉमनली हम बी डी रोम भी बुलाते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बी डी डिस्क होती है आपकी पच्चीस गीगा बाइट इव इट इज़ सिंगल लेयर और अगर डुअल लेयर है तो पचास गीगा बाइट और राइट दैन वी हैव एच वी डी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क ये है आपकी होलोग्राफिक वर्सिटाइल डिस्क ये देख सकते हैं आप दिस इज योर एच वी डीज राइट तो एच डी जो होता है ये होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट होता है इसमें एंड मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होती है 3.9 टेराबाइट्स देन वी हैव फ्लैश ड्राइव्स फ्लैश ड्राइव्स होती हैं आपकी जैसे पेन ड्राइव्स हो गई ये सब चीज़ें तो फ्लैश ड्राइव्स जो होती हैं स्मॉल होती हैं और अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसिस होते हैं ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती हैं विद वाया कैसे यू प्लग के थ्रू ये कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे हो सकती है यू प्लग के थ्रू ये है आपका यू पोर्ट जहाँ से और ये है आपकी यू केबल जहाँ से ये फ्लैश ड्राइव्स जो है कनेक्ट होती हैं आपस में ठीक है इनको हम ऑफन हम इनको पेन ड्राइव्स थम ड्राइव्स या फिर जंप ड्राइव्स भी बोलते हैं कहीं आपको जंप ड्राइव दिख गया तो ये मत सोचना है क्या है भाई जंप ड्राइव्स या पेन ड्राइव ही हैं ठीक है या फिर इसको थम ड्राइव भी बोल सकते हैं हम थम के आकार जितनी होती है तो इसको थम ड्राइव भी बोल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी इसकी आठ जी से चौंसठ जी तक होती है देन यू हैव जिप डिस्क जिप डिस्क होती है एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क के एडवांस वर्जन को हम बोलते हैं जिप डिस्क ऑल राइट सो इट वॉज डेवलप बाय किसने डेवलप किया था इसको आई ओमेगा ने जिप डिस्क अवेलेबल होती है हंड्रेड से टू फिफ्टी के बीच में सेवन फिफ्टी इसकी कैपेसिटी होती है एंड दे आर यूज टू स्टोर शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑल राइट चलिए अब अपने लेसन पे चलते हैं देन वी हैव कैश मेमरी एंड वर्चुअल मेमरी कैश मेमरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इट इज़ अ हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमरी होती है ये ऑलराइट right. जो कि सी पी यू के प्रोसेस को स्पीडअप कर देती है सीपीयू के प्रोसेस को ये स्पीडअप कर देती है ये एज अ बफर एक्ट करती है बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एज अ बफर एक्ट करती है ऑलराइट, right, तो बफर कैसे एक्ट करती है फॉर एग्जांपल हम एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ कैश मेमोरी होती क्या है मैंने अपने गूगल क्रोम में पाँच छः चीज़ें खोली ठीक है आपको मैं एग्ज़ाम्पल लेके दिखाती हूँ इस कैश मेमोरी का मैंने यहाँ खोल दिया सी डी ये आ गया सी डी रोम ठीक है सी डी रोम नहीं खोला था मैंने सी डी खोला था तो चलो सी डी रोम ही खोल दिया मैंने ऑल राइट right. अब नेक्स्ट टाइम जब मैं खोलूँगी इसको तो मैंने जब सी डी लिखूँगी तो पहला पहला क्या आ रहा है इसमें सी डी रोम ठीक है तो इसी तरीके से हमारी फ्लैश मेमोरी काम करती है अब नेक्स्ट में और कुछ लिख देती हूँ जैसे कि जावा और मेरे को देखनी है जावा स्क्रिप्ट मैंने जावा स्क्रिप्ट पे किया ठीक है जावा स्क्रिप्ट टूटोरियल ये सब आ गया मेरे पास अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जावा पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सबसे ऊपर क्या आता है जावा स्क्रिप्ट ठीक है तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये कैसे आया ये आया मेरी कैश मेमोरी से कैश मेमोरी से उठा के सीपीयू सीधा यहाँ पर ले आया है जावा स्क्रिप्ट को ठीक है अब पढ़ते हैं इसमें कैश मेमोरी होती क्या है ये देखिए मान लो मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम में पाँच छः टैब्स खोल लिए ठीक है अब कंप्यूटर को दिखता है कि ये बार बार ये टैब्स खुल रहे हैं मतलब जब भी मैं ओपन करती हूँ गूगल क्रोम तो ये टैब्स खोल लेती हूँ तो वो क्या करेगा सी अब जब भी मैं ये टैब खोलूँगी ये इनका रिकॉर्ड जो है कैश मेमोरी होती है मेरे पास और होती है हमारे पास मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में क्या है आपका रैम रोम ठीक है तो रादर देन गोइंग टू रैम एंड फिर उससे आस्क करे कि भाई ये वाला टैब खोलना है और इसको खोल के दो तो ये क्या करेगा सीधा जाएगा कैश मेमोरी के पास वहाँ सर्च करेगा क्या ये टैब्स हैं तो कैश मेमोरी के पास ऑलरेडी ये टैब्स मतलब होंगे अंदर क्यों क्योंकि मैं जब ये बार बार ये टैब्स खोलूँगी तो ये आ जाते हैं मेरी कैश मेमोरी के अंदर तो ये जब कैश मेमोरी के अंदर आएंगे तो ये देख लेगा कि हाँ भाई ये टैब्स कैश मेमोरी के अंदर पड़े हैं तो वहाँ पर इतनी दूर जाने की बजाय रैम तक जाने के बजाय ये सीधा कैश मेमोरी से कॉन्टैक्ट करेगा देखेगा ये टैब्स हैं कैश मेमोरी के थ्रू ये सारे के सारे टैब्स ओपन कर देगा तो जिसकी वजह से जो मेरे पास आते हैं जैसे कि मैंने गूगल पे कुछ भी खोला तो जो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सर्च करती हूँ तो मेरी सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर वही आता है तो वो क्यों आता है क्योंकि वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है और वो वही चीज़ शो करता है आपको ठीक है जो भी आपने बहुत ज़्यादा सर्च किया होगा मतलब जितना भी आपने सर्च कर रखा है ना पाँच छः टैब्स और बार बार आप वो करते हो तो कैश मेमोरी इस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है अपने पास में कि भाई ये टैब्स हैं ज़्यादा खुल रहे हैं तो मैं अगली बार जब भी ये बच्चा जब भी ये स्टूडेंट ये टैब खोले तो मैं क्या करूँ उसको डायरेक्ट एक्सेस दे दूँ मैं ऊपर ऊपर उसको ये प्रोवाइड करवा दूँ ताकि उसको और चीज़ें ढूंढने की जरूरत ना पड़े जो उसने सर्च कराए वो ऊपर ऊपर आ जाए ठीक है तो रैम की बजाय वो सीधा कैश मेमोरी के पास जाएगा और कैश मेमोरी से वो चीज़ वो ले लेगा देन वी हैव वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी सॉफ्टवेयर को परमिट करती है टू यूज़ एडिशनल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव एज टेम्प्रेरी स्टोरेज ठीक है चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है वो क्या सबसे पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी ये टाइप्स हैं ये एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास रैम और रोम ठीक है ऑप्टिकल मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी के एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास सी डी रोम सी डी आर डी वी डी एच वी डी ब्लू रे डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी के आपके एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन से हैं मैग्नेटिक मेमोरी के एग्ज़ाम्पल हैं आपके पास एच टी डी दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव और एफ़ टी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फिर है आपके पास फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल हैं आपके पास पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड ई ई प्रोम टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, ठीक है ये सब हैं आपके फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स, फिर आती है आपके पास आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्या होती है आपकी जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइसेस के पास ठीक है दैट इज़ नोन एज योर आउटपुट यूनिट जो कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइसेस के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है दैट इज़ एक्सटर्नल यूनिट चाहे वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में कराए या फिर सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में कराए अब हम जो सामने देख रहे हैं वो है एक सॉफ्ट कॉपी इसी का मैं प्रिंट निकाल लूँगी तो वो बन जाएगी हमारे पास हार्ड कॉपी ठीक है सो जो हम जो डिवाइसेस जो भी यूनिट हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइसेस के पास दैट इज़ नोन एज योर आउटपुट यूनिट अब समझ में आ गया आपको कि आउटपुट यूनिट क्या होती है अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेरीफेरल कंप्यूटर पेरीफेरल जैसे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चालू ठीक है Chali, till then, take care, all of you. Keep studying, and all the best for preparation.